तो हमारा आज का शुरुआत हो रहा है यहाँ से, और कल के वीडियो में भर भर के गाली मिला है मुझे और गिन्नी को। किस बात के लिए? और देखो भाई, आप लोग ना थोड़े से कंफ्यूज हो गए। गिन्नी ने जो बोला था ना, गिन्नी ने ये नहीं बोला था कि चीज को मीट से बनाते हैं। गिन्नी ने ये बोला था कि जो चीज को रखते हैं मीट के बीच में, ऐसा कुछ करके इसने बोला था। वीडियो है मेरे पास, आ गया हुआ। हाँ, वीडियो भी मैंने देखा है यार, ये झूठ नहीं बोल रही, इसने देखा। और मैंने सब्सक्राइबर ने भेजा ढूंढ के। और मैंने आपको कल ही बोला था कि इसने जो बोला वो सही है कि गलत वो मैं नहीं जानता, तो इस बात को आप सीरियसली मत लेना। लेकिन फिर भी आप लोगों ने सीरियसली लिया। एक भैया तो इतना सीरियसली ले गए हैं कि कह रहे हैं कि दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, मतलब खाद्य सामग्री का पाठ्यक्रम इनको करवाएं हम, है कि खा कौन सा भोजन कैसे पकता है, फिर तो दुनिया की हर चीज का नॉलेज रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप ना कि वो दबा के खाते होंगे इसलिए उनको बुरा लगता है। नहीं नहीं यार, एक ही चीज हम हम लोगों ने एक गलती तो किया है, हम लोगों को वेज रेस्टोरेंट में ही जाना चाहिए, हम लोग वेजिटेरियन लोग हैं। तो हाँ, ये हमारी गलती थी कि हम लोग नॉन वेज रेस्टोरेंट में गए। एक और बात भाई, बुरा तो लगेगा ना यार कि हम वेजिटेरियन हैं और अगर चीज हम खा रहे हैं दूध का माल समझ के और उसके अंदर रख के और तब हमें परोसा जा रहा है तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा। हाँ। तो एक बार आप हमारे जगह पे आके देखो कि हमें कितना बुरा फील। नहीं नहीं भाई, जो तुमने वीडियो देखा वो डिफरेंट वाला चीज होता है और ये मिल्क से बना हुआ चीज होता है, समझी, दोनों में फर्क होता है। तो गिन्नी भी अपने जगह पे सही थी और बोलने वाले लोग, आप लोग भी अपने जगह पे सही थे। यार मैंने अभी देखा ये टी शर्ट मेरे में इतना घटिया लग रहा है, ये आखिरी बार पहन रहा हूँ, इसके बाद ये दोबारा मैं टी शर्ट नहीं पहनूंगा। आज मेरे घर में नई वैरायटी का बंदर आया है। अरे ताकत तो बहुत है लेकिन बांस कमजोर है। अच्छा, ज्यादा पागल हो क्या? अपनी इलाज बचा रहा है, मार के छीन लेना। यू हैव पावर मैन, एक थप्पड़ मारो, दो मूंगफली हाथ में। भाई ये वाला कद्दू देखो, इसको पूरा चिड़िया काट दिया, या तो चिड़िया ने काटा है या फिर कोई जानवर ने काटा है। गोभी पे इतना ज्यादा मेहनत किया था पूजा मैडम ने और इस सबको बांधा था, और देखो बांधने के बाद सारा का सारा गोभी खराब हो चुका है, ये भी खराब हो चुका है और वो भी खराब हो चुका है। ये नहीं, बंदरिया गया, देखो बंदरिया गया भाई, ये देखो ये बंदरिया गया। मतलब पूजा ने बांध दिया तो मेहनत किया और ये घास निकाला सब किया तो मैंने कुछ नहीं किया। तो मेहनत किया मैंने कहां बोला कि पूजा ने मेहनत किया? अच्छा मैंने बोला क्या, मुझे याद ही नहीं। यही क्या है भाई, मैं भूल जाता हूँ ना। और गिन्नी के पीछे देखो गाजर है, ये जो देख रहे हो ना धनिया पत्ता जैसा, ये गाजर है। अभी गाजर ये बड़ा हो रहा है, ये भी बंदर आएगा अभी। कहाँ से बड़ा हो रहा है? रामराज तो तूंग लिए थे वो धनिया समझ के। आ गया आ गया। वो लड़का उधर से क्यों आ रहा है? क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? ऐसी कौन सी तैयारी चल रही है? देखो तो आखिर कहाँ जाया जा रहा है, कौन सा मिशन है ये? शिवम का हार्वेस्टिंग चलो कहाँ चढ़ोगे? ए तुम लोग पड़ोसी घर में डाका डालने वाले हो क्या यार? क्या कह रही है, पड़ोसी उतना अमीर नहीं है कि उसके घर में डाका डाला जाए। अच्छा ये लोग देखो पन्नी उस तरफ है, क्या लग रहे हैं। इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, यहाँ पे लगाओ ना शिवम। यार इसमें नहीं होगा यार, यहाँ पे लगाओ ना। क्या हुआ रे? लो शिवम लगता है गिर गया। अरे यार, चलो चलो पकड़ो। ओए हाय, ओए हाय, शिवम जा कहाँ रहा है? कम ऑन शिवम, शिवम बोलका चुकी तोड़ना, ठीक है? वो डाल के ओके दे, अमरूद तोड़ रहा है लड़का। अरे वाह, हम ऊपर देखने में डर रहे थे कब से, कि मुंह पे कर। ओए बहुत बढ़िया, पापा पूरा मारता है। कीरा झाड़ दे, झाड़ दे लड़की। क्या और नहीं है? बस और नहीं है क्या अमरूद? चलिए मैं भी जाती हूँ यार, मैं बोल ही रही थी तब तक खा गया ये गजब का लड़का, बदतमीज है। पहले बड़ों को देते हैं फोन, अब तुम लोग देख रहे हो हम फोन तोड़ देंगे, सही बता रहे हैं। मुझे अमरूद दिया जाए। I care for you, that's why I do this. Yes. मुझे देखने दे, अमरूद में घोटाला हो जाएगा नहीं तो। Only for you बेटा, only for you बेटा, ये देखो।
इस बार फूट जाएगा, इस बार फूट जाएगा। लगा लगा दम लगा। लो बेटा तुम्हारी मम्मी ने तोड़ा, लो मुक्का मार। रुको रुको, दे रहे नहीं होगा भाई, दे हम करते हैं। अरे हटाओ ना अपना पुराना ट्रिक लगाते हैं ना, ये वाला दे। अरे इसमें ताला मत लगा। अरे इधर पेड़ में चारों तरफ से जूठा कर दी। वाह, लाओ दे फोड़ देते हम। दे, और ये आधा दबा चुका है अभी तक। देना, एक मुंह में फाड़ देंगे इसको। रुक रुक, लाओ ब्रो यार, दो। अरे दम है नहीं, जबरदस्ती। दो। अवार्ड गोज टू गिनी पांडे। वाह। पूजा उल्टा करके कैमरा पकड़ी हुई है और इसका टकला दिख रहा है। ये देखो हम कैसे फोड़ते हैं अमरूद को। दीवार गंदा कर देना। अरे इसमें तो चिपक ही नहीं रहा है। ये वाला दीवार नहीं है, सॉरी ये वाला गेट वैसा नहीं है। हमारा दिमाग ना आज बहुत ही खराब सा हो रहा है, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा है आज, इसलिए बड़े शांत से नजर आ रहे हैं। हम खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। बात यह है ना कि जब हम लोग वाराणसी गए थे तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे साथ ना एक दोस्त था हमारा, वो दोस्त ना अब हमारे बीच नहीं रहा। उसका ना वो ना उसका रोड एक्सीडेंट हुआ परसों और वो अब हमारे बीच में नहीं है, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेशल था हमारे लिए। हमारे दोस्त का नाम था आदित्य गुप्ता। बड़ा मस्ती किया हम लोगों ने साथ में, बहुत मस्ती। वाराणसी वाला ब्लॉग जाके आप अगर देखोगे ना, अभी वो शायद प्रैंक वाले चैनल पे है क्योंकि तब हमारे चैनल पे स्ट्राइक था, इस वाले पे विद पांडे पे, तो हम लोग ना यहाँ का वीडियो वहीं डालते थे। तो वहाँ पे आप जाके देखोगे ना तो एक है लड़का, बहुत ही अच्छा नेचर का था, बहुत ही अच्छा नेचर का और बहुत ही अच्छा लड़का था। वी मिस हिम। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अब वाराणसी जाऊँगी, मैं कभी नहीं जा पाऊँगी। बहुत सारी जगह हमने छोड़ी थी और वो बोल रहा था कि चलो घुमा देते हैं आप लोग, दो दिन और रुक जाओ। मैं नहीं रुकी, इतना अफसोस हो रहा है, मैं जो बचे हुए जगह पे कभी घूम नहीं पाऊंगी। और जो वो लड़का था ना वो कोई और नहीं बल्कि हमारा सब्सक्राइबर था, हमसे एक बार मिलने आया था यहाँ पे, रात में मिलने आया था, वो भी इनफैक्ट ब्लॉग में होगा और गिन्नी वाले पे। हाँ तो वो मिलने आया था और उसी के बाद से हमारा दोस्ती हुआ, फिर वो दोस्ती बहुत गहरा हो गया और बहुत ही गहरे दोस्ती में बदल गया वो। फिर 4 दिन पहले मेरी बात हुई थी उससे, वो पूछ रहा था कि शिवम कब बनारस आएगा, शिवम जाने वाला है शायद। मैं 29 को जाने वाला हूँ। मैं उसे पूछ रहा था कि कब बनारस आएगा, और पता नहीं क्यों मैं ना बात बात में बोली भी थी कि यार इतनी रात को बाइक मत चलाया करो, तुम ऐसे ही घूमते रहते हो इधर से उधर, बड़ा अजीब सा। उसके बाद जब मुझे पता चला ना, मेरा ना दिमाग पे उसका फ़ोटो चढ़ गया है, जो मैंने उसका फ़ोटो देखा था एक्सीडेंट वाला। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी मेरे अपने के साथ ऐसा होगा। बहुत क्लोज आ गया था वो लड़का हम लोगों के, बिल्कुल अपने जैसा। हाँ हम बताना तो नहीं चाहते थे क्योंकि हम चाहते नहीं है कि आप लोग भी सैड हो जाओ, लेकिन फिर रहा भी नहीं गया। शिवम कहाँ चला गया? शिवम कहाँ है रे? क्या बोल रही हो? दौड़ के जाओ, सामने से दीवार छुपे, कितना जल्दी आ सकती हो? आ रही हूँ। चलो दौड़ के चले ना। कौन मुझे तेरे साथ गद्दारी कौन किया पहले वो बता। ये अकेला इसने गद्दारी किया है ना। चले थे बड़ा डरवाने, खुद ही डर गए। दवाई है। चल पता लोग चल जाओ। चलो उठा मंगल। चलो उठा, बहुत गलत चीज है। उठा चलो, उठा जल्दी। हम क्यों उठाएं? व्हाट अ ग्रीन। कहां से घास निकाला जा रहा है? अरे मोए तालियां, मिठाइयां, सेवाइयां। अब फाइनल वाला उठा। फाइनल वाला उठा। शिवम को छोड़, भाग मंगल, भाग, शिवम को बचा जल्दी। अरे हट,
कन खजूरा का नाम सुन के कान दबा रहा है अपना, क्योंकि वो कान में जाके ज्यादातर टाइम बैठ जाता है। अरे पापी पापी उरे सच में है, ओरिजिनल है रे। मुझे ए इन्होंने देखा है, उनका सब घास फेंक दिया इन लोगों ने। झाट से टुकड़े रखो। अरे कौन आदमी है यार, इसमें देखो धनिया पत्ती है। इधर इधर मोशन इधर आ, पूरा कचर दिया धनिया। पूजा उठा उठा शुम, उठा उठा प्लीज उठा उठा, नहीं तो बहुत गाली देंगे वो। कहने को काम करने वाले हैं लेकिन है घर के मालिक। मैंने यहाँ पे छुपा था गिन्नी को डराने के लिए, बीच में धोखा कौन दिया है? मंगल पागल हो क्या? रिकॉर्डिंग है भाई पूरा फोन में। हाँ भाई फोन में कुछ नहीं रिकॉर्डिंग है, सुनो इसको मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। नहीं करते हैं कभी भी शिवम को लेके, देख लेना हम कहीं पे भी गद्दार नहीं दिखे हैं ना। यही साला करता है हमेशा हमको लेके गद्दार, इसको पता है बदला बहुत बड़ा हो सकता है। देख रहे हो मंगल तुम कुछ तो निष्कर्ष क्या निकला, कौन गद्दारी किया है? मुझे क्या पता, मुझे नहीं फंसाना चाहिए। तुमने क्या किया है वो? मैंने क्या किया? अच्छा जहाँ जहाँ मैं पैर रखी हूँ वहाँ वहाँ गड्ढा बन गया, पूरा घास खराब कर दिया उधर। आए है गंदा है, छोड़ दे मत, अरे कीड़ा है उस पे। मुझे आज मिल गया है धोखा इन लोगों के द्वारा, अब मैं तुम में से किसी का भी कभी भी साथ नहीं देने वाला। यहाँ पे फिर से ना इतनी ज्यादा गाड़ियाँ जा रही हैं कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओहो हो गेट लगाओ। हे भगवान भाई, किसी पूरा कमेंट किया था कि आप चारों एक साथ क्यों रहते हो, उसका जवाब दे दो सुना। चारों एक साथ क्यों रहते हो ये क्या जवाब है? आप भाई बहन कैसे रहते हो, एक साथ नहीं रहते हो? गिन्नी कौन करो छू? हां श्रृंगार देखो छू सियुली। ओडिशा के लोग समझेंगे जो मैंने बोला। किधर है? अबे बेवकूफ कुछ तुम होता नहीं है फिर भी तुम खींच के ले आती हो यार, कहाँ है इसमें सियुली दिखाओ। हाँ है तो भाई है तो यार, लेकिन इसमें खुशबू नहीं है। भाई मेरा दिमाग आज काम कर नहीं रहा है, इसलिए मैं कुछ भी बोल रहा हूँ या फिर कुछ भी वीडियो बना रहा हूँ, तो एक दिन एडजस्ट कर लेना थोड़ा। यहाँ पे करेला जो देखो, इसको आप लोगों ने 100 बार देखा होगा तो 101वीं बार देख लो, और इतना बड़ा हो गया है। बस मुझे ये बताना था यहाँ पे इतना करेला है, और इस पेड़ को देख के ऐसा लगता है कि अंदर फल नहीं है, लेकिन फल तो है और अच्छा खासा है। देखो अभी मैं पेड़ के बीच में हूँ, वो भी लग नहीं रहा होगा आपको, ऐसा लग रहा होगा कि मैं पहाड़ों के बीच में हूँ, लेकिन मैं करेले के बेल के बीच में हूँ। करेले के साथ में ना यहाँ पे देखो क्या है, इसको आपके वहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। इसका नाम मुझे पता है लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, आप बताना। आजा पांडा आजा आजा जल्दी आजा जल्दी आजा, सब लोग तुमको ढूंढ रहे हैं पांडा, जल्दी इधर आओ। चलो जितनी भी हमारी पब्लिक पांडा को ढूंढ रही थी, पांडा देखो यहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है, ये पता नहीं कहाँ ऐसे मिट्टी में घुस के आया है। पांडा बैठो, बैठ के दिखा दो एक बार, बैठ के दिखा दो, बैठ के दिखा दे। अरे वाह, अबे यार ये तो खुजली करने के लिए बैठा है, मुझे लगा मेरा कमांड मान रहा है। तो अभी शाम का 4 बज रहे हैं और मैं अभी नहाया, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और मेरे हाथ में है अभी चाय। मैंने यहाँ पे चाय रखा था ना, इसलिए देखो पांडा वही एरिया जाके सूंघ रहा है। और जो मैं अभी चाय पी रहा हूँ ना, ये वही वाला मसाला टी है जो सिलीगुड़ी से लेके आए थे, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आज भी इसका स्वाद वही है जो 2 साल पहले था। क्या खा रहे हो पांडा, क्या खा रहे हो? मुंह दिखा जल्दी। अरे 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 अरे, अबे एक तो ऐसे ही कबाड़ जैसा घर है, तुम और कबाड़ी बना दो इसको। क्या दिखा रहे हो, दिखाओ मुंह खोलो। आज सुबह लगभग 9 बजे, आपको बताया नहीं, मैं भूल गया था, मैं मुझे अभी याद आ रहा है, सुबह लगभग 9 बजे ना यूटू हमारे पड़ोसी के घर में घुस गया था, पूरा रोड से ऐसे भाग के गया और पड़ोसी के घर में घुसा और फिर उसके कमरे में घुस गया, और पूरा एकदम चिल्ला रहा था, पूरा भौंक रहा था। वो लोग पूरे डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए, वो लोग डंडा वगैरह निकाल रहे थे, तब तक मैं भाग के गया, पहुँचा वहाँ पर, फिर वो लोग ज़्यादा रिएक्ट नहीं किए, वो लोग बहुत उल्टा बोल सकते थे, लेकिन वो लोग अच्छे हैं, मतलब हमारे पड़ोसी अच्छे हैं, तो वो लोग बड़े प्यार से बोले बांध के रखो इसको ऐसा ऐसा करके, फिर हम लोग बचे। नहीं तो हर रोज़ यूट्यूब कुछ ना कुछ कांड कर रहा है, कभी उधर बाहर भाग जा रहा है, कभी पड़ोसी घर घुस जा रहा है, कभी क्या क्या कर रहा है। अभी तो ये छोटा है, ये बड़ा होने के बाद ये भी वैसा ही ना निकल जाए। पांडा तुम वैसे नहीं निकलोगे ना बेटा, तुम तो बहुत ज़्यादा खाने पर फोकस करते हो। अबे लोहा काट रहा है, ए छोड़।
भाई ये बहुत ज़्यादा फनी है। तो काफ़ी दिनों के बाद ये वाला फूल देखो वापस से खिला है अब, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में फूल होने वाला है। आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था कि मैं चाय छोड़ दूंगा, लेकिन भाई चाय छूटा नहीं, अभी भी पूरा चाय पिया। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, अगर पुराने हो तो हमसे जुड़े ही रहना ऐसे ही, ठीक है, हमेशा के लिए। बाकी जो हम लोगों ने बोला था कि हम लोग रात में अपने खेत पे रुकने वाले हैं, तो वो वाला चैलेंज वो हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने आपका इंटरेस्ट जानना चाहा था और आपने बोला था कि हाँ रुको हमको देखना है, तो हम ये भी करने वाले हैं बहुत जल्दी। फिलहाल हमारा आज का ये वीडियो होता है यहीं पर समाप्त, आपसे मिलते हैं कल दोबारा एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।